महाराष्ट्र के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, गुजरात के बहुत कम लोग हैं। हम लोग गुजरात हैं, हम महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र क्यों आप भी? गुजरात के लोग कम क्यों? अभी वो जागे नहीं है, जागना चाहिए उन लोगों को। मोदी जी का डर तो नहीं है? लगता है वैसा ही है। मेरे भीम से बढ़कर कौन भला क्या देगा, मेरे भीम से बढ़कर कौन भला क्या देगा, देगा तो एक दिन वो देने की सजा देगा। मरे हुए मुर्दों को भीम ने जिलाया है, नागपुर में उन सबको बुद्ध से मिलाया है। दिल से प्यार करता है दिल नहीं मगर गंदा, वही इंसान होगा भीम राव का बंदा, भीम राव का बंदा। तो मैं संकल्प भूमि के उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर मंच लगा है। मेरे पीछे देखेंगे तो संकल्प भूमि है और ये भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण कर दिया गया है। और संकल्प भूमि मैं आपको दिखाऊंगा, संकल्प भूमि जो है वो जो वही जगह जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो बैठ करके रोए थे मंच पर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र हैं, भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर हैं। और भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर जी के पोत्र हैं और ये तमाम वो सीनियर लोग हैं जो भारतीय बौद्ध महासभा और तमाम लोगों से जुड़े हैं। और इन्हीं के साथ साथ भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर हैं, तमाम वो लोग हैं। पीछे संकल्प भूमि का जो पोस्टर है वो लगा है, उसके बाद तमाम वक्ताओं का जो है वो संबोधन होगा। मैं कुछ एक लोगों से बातचीत कर लेता हूँ जो देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। सर कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली से आए हैं, ग्रेटर नोएडा से। क्या सोच कर के आए थे कि ये क्या नज़ारा मिलेगा यहाँ देखने को? नज़ारा हम यहाँ पे 2006 से जुड़े हुए हैं और एक समय वो भी था कि जब यहाँ पे 10 लोग भी इकट्ठे हो पाते थे। तो ये सब जमीन को आइडेंटिफाई कर करके और आज इस स्थिति तक पहुँचा दिया है कि जो बाबा साहब का संकल्प था कि मैं इस समाज को जो जाति व्यवस्था से पीड़ित है वहाँ से निकाल कर एक शासक कम्युनिटी तक बना दूंगा, मैं इसको छुआछात को मिटा दूंगा, वो संकल्प आज बाबा साहब का सही होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। और आज जो है हम इस स्थिति में हैं कि हम जहाँ भी हमको समानता का जो अधिकार जिसे वंचित रखा गया था, आज सबको बाबा साहब ने भारत का संविधान बना करके हम सबको एक बराबर का संविधान दिया और एक शासक बनने तक के लिए हमारे रास्ते खोल दिए। शासक बनने तक का रास्ता जो है वो खोल दिया है। कुछ एक महिलाएं उनसे बात करती, कहाँ से है मैडम आप? मेहसाणा से आई। क्या कहना चाहोगे इस मौके पे? आप धर्म में प्रचार करने के लिए जाते, प्रचार करना। प्रचार करना किस चीज का? बुद्ध धर्म का प्रचार करना। बुद्ध धर्म का प्रचार करना है? बुद्ध धर्म का प्रचार क्यों करना है? देवी देवताओं में लगे रहते हैं ना सब, इसलिए। देखिए ये बड़े मजे की बात है कि लोग जो है वो बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी लेकिन उनके अंदर जो डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के जो जो विचार मन मस्तिष्क में है उसको लेकर के कम से कम इतने सजग हैं कि उनको पता है कि उनकी जो भावना है आप उससे कदर उनसे अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे बीच में सिंगर हैं और कृष्णा क्या कहना चाहोगे? आप तो गीत के माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से बाबा साहब बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ा रहे हो, आज संकल्प दिवस है, क्या कहना चाहोगे? पहले तो जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं तहे दिल से नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भूमि है परम पूज्य बाबा साहब ने यहाँ संकल्प लिया इस जातिगत व्यवस्था को बदलने के लिए, तो मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी भाई हैं कि हमें भी संकल्प लेना चाहिए, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरीके से बाबा साहब ने व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए संकल्प लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विचारधाराएं मनवादी विचारधारा के लोग आज भी उस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। तो ये संकल्प लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बाबा साहब के सैनिक हैं, सिपाही हैं, उस व्यवस्था को लागू नहीं होने देंगे। आज ये संकल्प लेकर के जाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने संविधान पर और अपनी जो परम पूज्य बाबा साहब जो व्यवस्था लागू करके गए हैं समानता की व्यवस्था, उस पर कोई आँच नहीं आने देंगे। ये संकल्प आज लेकर के जाना है सभी लोगों को, सभी लोगों को ये संकल्प यहाँ से लेकर के जाना चाहिए जो कृष्णा ने कहा। कुछ एक लोग हैं, कहाँ से आए सर? सर कल्याण मुंबई से आया हूँ। कल्याण मुंबई से, क्या कहना चाहोगे इस अवसर पर? सर ये जो संकल्प भूमि है यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संकल्प किया था वो यहाँ के जो दलित है उनके सबके लिए संकल्प किया था और उनका फायदा भी सबको हो गया। मुझे मेरी अभी ये जो धम्म दीक्षा ली है यहाँ, तो सबको मेरी यही प्रार्थना होगी कि भगवान बुद्ध ने जो पंचशील दिया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया है, तो उसका अगर हम पालन करेंगे तो ये संकल्प भूमि आके
हमारा ये कर्तव्य हो गया, ऐसा मैं समझता हूँ। संकल्प जो है वो हो गया है। थोड़ा सा और मैं एक दो लोगों से बात करवा देता हूँ, थोड़ा सा और आगे को आ जाएं। मैं अभी आता हूँ, कुछ लोग और हैं जो दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हैं, और मेरी भी इच्छा है कि जो लोग दूर से आएँ उनसे बातचीत की जाए, ताकि ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ से, कहाँ से आएँ आप लोग? हम बड़ौदा से सर। क्या कहना चाहोगे कि बड़ौदा में 6 साल 7 साल पहले 8 साल पहले ये कारवां शुरू हुआ, आज लाखों की संख्या में पहुँच गया है, कैसा लग रहा है? जय भीम नमः बुद्धाय। पहले तो हमारा परिचय दे दो तो हम पता लग गए साहब को भी। ये जो संकल्प दिवस मनाया जा रहा तो उसका जो ये हमारे अनित्य जी, ये पूरी टीम, हम जामनगर से कुमार बौद्ध, वहाँ से हमें विचार आया कि संकल्प दिवस नाम के कोई एक दिवस है। वहाँ से हम गुजरात सौराष्ट्र के लोग आए यहाँ आए और यहाँ की टीम बनाकर 2015 में 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया, वो हमारी टीम ने किया था। आज लोग दूसरे लोगों को क्या समझते हैं यही पता नहीं, कि जो 23 सितंबर है तो वो सब मानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गए, लेकिन वो किन किन लोगों ने किस तरह से किस दशा में किया है पोजीशन में, ये किसी को पता नहीं है। यहाँ की पूरी टीम का आप इंटरव्यू ले तो यहाँ के जो लोग हैं पूरी टीम यहाँ काम, ये उसके बाद ही शुरू हुआ है। ये आपने कब शुरू किया था? 2015 में संकल्प दिवस में 98 साल हुआ है ना, उस वक्त शुरू किया पहली बार। और आपको एक हिस्टोरिकल बात बताऊँ, मैं जामनगर से हूँ, 2014 में हमने जामनगर में किया था पहला, भारत में कहीं पर नहीं हुआ है ये कार्यक्रम। और ये तो ये वो लोग हैं शुरुआती दौर के लोग हैं जिन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को मनाना शुरू किया और लोगों तक पहुंचाना शुरू किया कि संकल्प दिवस नाम की भी कोई त्यौहार बन सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो नए तरीके से समाज में आई हैं, चाहे तो संकल्प दिवस हो चाहे संविधान दिवस हो, ये 2-3 त्यौहार अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों में नए तरीके से आए हैं। कुछ लोग और हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, तो ताकि मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं उन तक पहुँचा जा सके। कहाँ से आए हैं आप? बड़ौदा से। क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? देखो अपना बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, हैं? तो बाबा साहब के लिए तो लड़ना ही। या महाराष्ट्र के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, गुजरात के बहुत कम लोग हैं। हम लोग गुजरात हैं, हम महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र क्यों, आप भी? गुजरात के लोग कम क्यों? अभी वो जागे नहीं है, जागना चाहिए उन लोगों को। मोदी जी का डर तो नहीं है? लगता है वैसा ही है। पता नहीं, लेकिन गुजरात, आप सही है, गुजरात के लोग अब भी जाग रहे हैं। हाँ, बहुत देर से जाग रहे हैं वो लोग, क्योंकि बहुत देर से जाग रहे हैं गुजरात के लोग। और मैडम महाराष्ट्र से आई हैं, उत्तर प्रदेश से ट्रेन भर भर करके आई हैं, दिल्ली से 2 ट्रेन भर के आई हैं, और दिल्ली से जो लोग आए वो भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, जो उत्तर प्रदेश से जाए। अहमदाबाद से 4 बस आई है यहाँ के लिए। ये वो तमाम लोग हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से उत्तर भारत, उसमें राजस्थान है, तमाम वो लोग हैं। कहाँ से आए मैडम? यही के बड़ौदा। बड़ौदा के, बड़ौदा के लोगों की संख्या कम है, लेकिन जो हैं वो बोल, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, महाराष्ट्र के हम शादी इधर करिए। हाँ, तो ये भी आदि महाराष्ट्रीयन कह रहे कि महाराष्ट्र के शादी इधर किए, लोकल गुजरात के लोग नहीं आ रहे हैं? नहीं, लोकल नहीं है। क्या कारण है? वो तो पता नहीं। आप बाबा साहब को कब से जानते हैं? बाबा साहब तो मैं बचपन से जानती हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र नागपुर साइड की हूँ, और बाबा साहब के हम बौद्ध धर्म हमारा पहले से ही है, हम बौद्ध ही है, वही के महाराष्ट्र के ही हम। बौद्ध धर्म पहले से महाराष्ट्र के हैं, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत यहाँ ज़्यादा है, लखनऊ और जो उधर की बेल्ट है, हिंदी भाषी बेल्ट है, वहाँ के बहुत लोग हैं, तमाम लोग। और उन्हीं लोगों के बीच में से चुन चुन करके मैं उन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश मैंने की है। एक और सीनियर लेडी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है माता जी? विशाखा थोरात। कहाँ से आए? वैसा है, महाराष्ट्र। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? सोशल वर्क, और मैं इतना अच्छा कार्यक्रम इधर बड़ौदा में हो रहा है, और हमको बहुत खुशी है कि बाबा साहब की वजह से हम महिलाओं की भी प्रगति हुई है। जैसे मेरे भीम से बढ़कर कौन भला क्या देगा, मेरे भीम से बढ़कर कौन भला क्या देगा, देगा तो एक दिन वो देने की सजा देगा।
मरे हुए मुर्दों को भीम ने जिलाया है, नागपुर में उन सबको बुद्ध से मिलाया है। दिल से प्यार करता है दिल नहीं मगर गंदा, वही इंसान होगा भीम राव का बंदा, भीम राव का बंदा। तो बाबा साहब की वजह से हम यहाँ खड़े हैं, जो जो भी हमारे पास जो भी चीजें हैं, हमारा श्वास, हमारा घास, सब बाबा साहब की वजह से। तो उनके लिए पूरा जीवन समर्पित, और हम बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा का प्रचार महिलाओं में करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा जिस महिलाओं में मराठी में बोलते हैं कि जी चाहती धम्मची दोरी जगाला उद्धारी। तो उनके महाराष्ट्र से आई है, नागपुर से।